أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد بني آدم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الكرام رضوان الله عليهم وأما بعد الحمد لله رب العالمين أهماري سيرة أبسود نمبر سيكس فرقون الحمد لله رب العالمين the most important thing again मैं अपने आप को रिमाइंड करती हूँ और आप लोगों को भी याद दिलवाती हूँ कि ये सीरा है स्टोरी नहीं है एंड आपको बहुत अच्छा लगे इस पर देखें हम कैसे अमल करते हैं कैसे अप्लाई करते हैं क्योंकि उस हसन रसूल सो वी हैव हाँ टू तो फॉलो हिम रसूल वसल्लम का पिछली बार जब उनकी वालफफोत हो जाती है अब में बिटवीन मकान मदीना रसोल साल थी सबसे पहले हमारे जहन में आएगा कि ये का हुई पूछते क्यूँ और कैसे ये रसूल है यानी जैसे पिछली बार मैंने कहा था इफ और वी विश के रसोल्ला सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारते उनके वाले होते उनके भाई बहन होते उन खुशहाल फैमिली में उनकी परविश होती लेकिन अल्लाह की तकदीर है दिस इज नंबर वन एंड वर्र बेक अल्लाह कदर है हमें हमेशा झुकना है अल्लाह के कदा कदर के सामने and पूरे यकीन से सीरा ले रहे हैं लेकिन इसमें अकीदा है इसमें फिका है इसमें सब कुछ है इसमें तोहीद है सो so, ये सब कुछ आपको सुनने में आएगा देखने में इनशा मटेरिया में Anyhow, ये अल्लाह त हुक्म था एंड इंसान को राजी होना है अल्लाह तुक्म के सामने दिस इज नंबर वन नंबर टू देर इज ताला के हर काम में तकदीर अल्लाह के हाथ में है वो ही तकदीरें लिखते हैं और उनका इरादा और मशिया वो ही चलता है मादिल है जो हुक्म अल्लाह वो ही होगा एंड दूसरी बात ताकदा में आता है कि जो भी तकदीर में होगा वो खैर होगा इसमें जरूर खैर होगा जो हमें नहीं पता लेकिन हमें यकीन है की अल्लाह जो भी तकदीर करते हैं उसमें खैर होता है एंड उसमें लुत्फ भी होता है जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह लतीफ है अल्लाह लतीफ़ है सुफान अल्ला उसमें जरूर कोई बात होगी जो छुपी हुई है जो हमें पता नहीं है उसके मतलब नंबर टू और थ्री जो बात कर रहे हैं नबुआ नबूरत इस्तीफ़ा होता है इस्तीफ़ा यानि चुने हुए लोगों पर नबोत का यानी अल्लाह उनको चूज करते हैं नबूवत के लिए एंड जिसको चूज करते हैं अल्लाह या त्तफा करते हैं उस की तरबियत करते हैं अल्लाह अल्ला फरमाते हैं कि जैसे सलाम का जिक्र किया वही तो नफसी मैंने तुम्हें इख्तियार किया वो लिस्ना और मैं ही तुम्हारी तरबियत करूँगा अल्लाह नंबर फोर जब इंसान के वालदेन होते हैं तो उसका दिल वालदेन के लिए जैसे हम सब है वालदेन के लिए हमारे दिल में मोहब्बत होती है उनके के लिए हमारा एहतराम होता है जो भी यानी वालदे के हकूक होते हैं लेकिन अल्लाह चाहते हैं कि अपने खलील जो होते हैं जो जैसे इब्राहिम आहमद इनके दिल में सुय अल्लाह तहबत में कोई शरीक ना हो सुफान सूरत में खलील रहमान का कैसे इम्तहान लिया जब उनका बेटा हुआ थोड़ा सा जवान तो कैसे अल्लाह तला हुक्म दिया जिबा करने के लिए तो इस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे ये ख़ास बंदे हैं इनके दिल में कोई भी मोहब्बत ना हो सिवा अल्लाह ताला की मोहब्बत कभी कभी आप देखते हैं जो खास लोग यानी जो मुतकीन हैं या मुलिन हैं उन पर आजमाइे आती है यही अल्लाह ताला टेस्ट लेना चाहते हैं तुम अभी तक मेरे साथ तुम्हारे ताल्लुक मजबूत हैं तुम पहचानते हो मुझे तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और मोहब्बत तो नहीं किसी और के तरफ तो नहीं तुम्हारा इल्तिजा या उम्मीद रखते इस तरह सुबह सबक है इबरत लेता है हर यतीम के लिए रसूल की जिंदगी इबरत है हर माँ जो बच्चे पा रही है जो यतीम बच्चे हैं या जिनके वालदे चले गए हैं उनके लिए ये इबरत है उनका दिल छोटा नहीं होना चाहिए उनको पूरी यकीन से स्पेशल अल्लाह ताला ने अगर मेरे वालदेन ले लिया है मेरे लिए कुछ और मुक्र किया है जो मेरे लिए बेहतर है तो जब हम कभी किसी जमाने में यतीम खानों में जाते थे जब भी बैठते हैं यतीमों के साथ उनमें एक इंकसारी होती है एक कमी होती है थोड़े से एग्रेसिव होते हैं जब उनको बात करो तो वो कहते हैं कि क्यों हमारे साथ हुआ सुफान ला बहुत बदल जाते हैं जब उनको बता आया जाता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यतीम थे और रसूल अल्लाह के यथुम के मुतलक बताते थे तो बहुत वो चेंज हो जाता है ये मेरा खुद तजुर्बा है यतीमों के साथ दूसरा अनदर पॉइंट ये तजुर्बा जो देखा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आंखों से खुद उनकी मां उनके बहुत क्लोज थे एंड एकदम मौत आई चले गए एंड दफनाए गए ये तजुर्बा दिस एक्सपीरियंस इट वाजंट वन यहाँ से एक चीज जहन में आती है कि हर महबूब या हर अजीज या हर एक इस दुनिया में से एक दिन चले जाएगा अंध ये खुद उन्होंने पहली बार देखा है शायद यानी बस लेकिन अपनी माँ को देखा है इस तरह तो एक सदमा सा है कि ये मेरी माँ है चले गए जब माँ चले गई बाप तो नहीं था तो क्या हाल होगा इंसान का इस हाल में इंसान में एक कमी रह गई है एहसास कमी मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरे हिफाजत के लिए मुझे कौन मोहब्बत देगा मेरी कौन इनायत करेगा मुझे मेरा हाथ कौन थामेगा ये थोड़े से इशारे हैं जो इनके बचपन से अल्लाह ताला ने इनको धीरे धीरे इस चीजों में लगाया कि जो कमी है दिल में या रूह में तो धीरे धीरे पता चल जाएगा इस कमी को कैसे पूरी करूँ अनदर पॉइंट यतीम जब यतीम होता है ना तो सबकी नजरें उस पर पड़ती हैं कि ये यतीम है वो देखते हैं कि ये यतीम क्या खा रहा है क्या कर रहा है वह उसकी तरबियत कैसी हो रही है अच्छी हो रही है तो उनके नज़रों में अच्छी नहीं हो रही फिर भी उनके नजरों में सोसाइटी के पूरी नज़रों में यतीम होता है यतीम जब हम सुनते हैं फोत हो जाता है तो हम सबसे पहले रोना धोना होता है कि बेचारे इनके सर पर कोई नहीं ये यहाँ इनका वालिद नहीं रहा अब कैसे इनकी यानी जिंदगी कैसे रहेगी ये क्या करेंगे इनके खराजात कौन उठाएंगे कैसे इंसान भूल जाता है कि जिसने पैदा किया क्या आपको बैठेंगे आपको पैदा किया और आप इतने अंधेरों में थे अपने माँ के पेट में रहम के अंधेरों में वगैरह फिर भी आपको रिस्क आपको पहुँच रहा था हमारा अकीदा ठीक करना होगा हमें सीरत जब पढ़ते है ना हमें ये चीजों का ख्याल रखना है यतीम थे रसूल सल्लासम लेकिन सबसे दुनिया के सबसे बशर वही तो रिहायत किसने की कैसे वो पले क्या उनका उनका हुआ किसने बंदोबस्त किया तो इस तरह अल्लाह रहम करे किसी घर में कोई यतीम हो जाते हैं तो वो बच्चों को देख देख कर रोना आता है सभी को कि इनके सर पर तो कोई नहीं रहा अब इनका क्या होगा एंड एक और बात है हमें पूरा जैसे मैंने कहा ना रसूल की जिंदगी की तरफ देखें हमें पूरा हमारा नजरिया द वे ऑफ थिंकिंग बदल जाएगा वो जमाना और ये जमाने में बहुत फर्क है ये जमाने में फिर भी माँ जाकर जॉब कर सकती है कुछ अर्न कर सकती है सहूलतें हैं थोड़ी सी जिंदगी में नोट लाइक बिफोर लेकिन जो यतीम हो गया है जैसे रसूल सल्लाम दोनों तरफ नावालदा नावालिद रहे अब इनके हाल का यहाँ उनका ढूंढना या एहसास के अब मेरा कौन है उम अमन ने हाथ पकड़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और सफर के लिए रवाना हुए यानी जो सफर शुरू हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़े उम अमन कौन है उम अमन ये इनके वालिद की मौला थी मौला यानी जैसे कि लोंडी जो वालिद थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब के विरासत में मिला है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसीलिए वो सफर में भी साथ थे तो كانت يعني, نانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نانيا، ولكن क्या कहते हैं जो देखभाल करते हैं बच्चों के तो ये उमईमन रसूल सलाम के साथ इनका नाम नामिया उनका उमाईमन है और नाम बरका है हबशा से बरक अल हबशिया कहा जाता है उनका नाम मौला अब्दुल्ला वालिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ये इनकी जिंदगी सुबहान अल्लाह में बरकत थी बाद में जब अल्लाह तीन जिंदगी थी इस्लामी पाया बाद में हिजरत भी की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोत होने के बाद फाइव या सिक्स महीनों के बाद फोत हो गए अब लेकर आते हैं उमाइमन मक्का में दाखिल होते हैं किसने इस्तकबाल किया इनके दादे ने अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब को खबर पहुंच गई थी क्या हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो उनका दिल दुखा हुआ था कि उनके बेटे अब्दुल्ला फोत हो गए थे कुछ अर्से पहले सिक्स इयर्स बैक फिर अब इनकी वालदा भी फोत हो गए हैं तो बहुत शफकत रमत से उन्होंने बेटे के बेटे को अपनी गोद में लिया और अपने घर ले आए इतना इतना उन पर रहीम थे शफकत का हाथ रखा था एंड यानि ही ट्राइज़ हिज़ बेस्ट के उन उनके लिए कोई कमी ना रहे मोहब्बत में या अनायत में इस हद हाँ तक के उनका एक मजलिस होता था जो काबा के करीब बहुत करीब होता था सब लोग आकर बैठते थे तो सिर्फ बड़े बड़े लोग के या उनके बड़े बेटे तो रसूल वसल्लम आकर बैठते थे तो लोग उनको हटाते थे कि नहीं ये बड़ों की मजलिस है मुत्तलिब और आपको तो मत अब्दुल मुत्तलिब कौन है सुभान अल्लाह सब कुछ आपने सुना पिछले एपिसोड्स में कैसे उन्होंने जमजम खोदा दोबारा एंड फील का मौका फिर इन कैसे हाजियों के लिए खाना पीना उनके देखभाल इस हद हाँ तक वो करीम सखी थे कि कहा जाता है इवन पहाड़ों पर भी खाना भेजते थे चिड़ियों के लिए एंड परिंदों के लिए एंड बहुत सखी होते थे लोग जब हटाते थे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज खेद तो को कहते थे नहीं इनको छोड़ दो साथ बिठाते थे लेट हिम कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी ये जगह इवन उनके बड़े बच्चों के लिए भी नसीब नहीं होती थी जो अब्दुल मुतलिब के औलाद के लिए भी नहीं लेकिन कहते थे ये मेरा बेटा ये बहुत मुझे लगता है अजीम शान होगा एंड ये चीजें हमें देखनी चाहिए अपने बच्चों में भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो खेल खेल कूद में उनका दिल नहीं लगता वो क्या पसंद करते हैं बड़ों के मजलिस में आकर बैठे हैं बिकॉज दे आर दे डोंट लाइक टू प्ले छोटे बच्चों की खेले या कूदना दे तो देखा होगा आपकी सोसाइटी में या आपके खानदान में या आपकी फैमिली में जिस बच्चे में ये सलाहियत है तो आप उसको देखें उसको वॉच करें कि क्या इसमें क्या सलाहियत है हाउ कैन आई पोलिश दिस इसको कैसे आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत में कर सकती हूँ किस चीज में ये माहिर हो सकता है इसमें लीडरशिप की सलाहियत है इसमें टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैथ में या इंग्लिश में या अरबिक में या कुरान या हिफ कुरान में है तो उसको आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादे के मजलिस में बैठते हैं दादे के बिल्कुल नजदीक अन क्लोज तो क्या लोगों को नजर नहीं आते थे लोगों को नजर आ रहे हैं ना? पहले हमने कहा यतीम यतीम पूरे सोसाइटी में वो उसकी सोसाइटी की नज़रें उस पर होती हैं दूसरा अब देखें कि दादे के साथ बैठे हुए हैं तो इसका मतलब सभी उनको देख रहे हैं दोबारा सभी पहचानते हैं सभी की नजरें उन पर है ये कौन बच्चा है ये क्यों बैठा जाता है सब बातें हम बड़ों की बातें कर रहे हैं और बीच में ये ये छोटा बच्चा आ गया तो अगेन देखा अल्लाह बचपन से ही रसूल वसल्लम पर लाइट डाल रहे हैं सभी के नजरों में ये यतीम है एंड बहुत क्लोज टू हिज ग्रैंडपा एंड इनकी परविश कैसे हो रही है सो so, कोई छुपा हुआ इंसान नहीं है वसल्लम पूरी सोसाइटी इनको जानती है बचपन से लेकर इस तरह इस माहौल में दो साल तक रहे के थे एंड दो साल तक रहे अपने दादा के साथ लेकिन देखें अल्लाह ताला लुत्फ यतीम थे वालदेन नहीं थे लेकिन उनके भाई थे भाई बहने थे वो कैसे जब रसूल वसल्लम पैदा हुए थे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ दूध पिलाती है फिर एक लोंडी थी अबू लाहाब की सोईबिया उनका नाम था बोईबिया ने जब तक ये हलीमा सादिया के लोग वगैरह ये लेडीज़ बनु से नहीं आई थी तो जब तक सोईबिया ने दूध पिलाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोईबिया लोंडी थी अबू लहब की अबू लहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे हैं तो इतनी उनको खुशी हुई चाचे को मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के विलादत पर के उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया सोईबिया को सोईबिया जब दूध पिला रही थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध कहाँ से आया इसका मतलब है वो शादीशुदा थी और उनका बच्चा था एक बच्चा था थवैबिया का उसका नाम मसरूह नाम था उस बच्चे का तो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रदर फॉर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का रिश्ता था मसरूह एंड थवैबिया वी डोंट नो अबाउट देम इन्होंने इस्लाम बाद में कबूल किया कि नहीं बट वी डोंट नो यहाँ तक उनका किस्सा ख़त्म हो जाता है थवैबिया एंड मसरूह का سوي بيا دود بلايا ونكا بيتا مسروح تھا. مسروح سات رسول صلى الله عليه وسلم ندود بيا and حمزة حمزة جو جاجة تي رسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب انوني دود بيا سات رسول صلى الله عليه وسلم and طرف جب حليمة السعدية ندود بلايا ونكي بي اپني اولاد تي عبد الله بيا رسول صلى الله عليه وسلم and और भी पहने थी एंड सैमा एंड उन्नीसा शैमा एंड में शिमा का भी बताया जाता है इस्लाम कबूल किया एंड शैमा का एक बार किसी जंग में रसूल वसल्लम कैदियों को लोगों ने मुसलमानों ने पकड़ा एंड फिर एक औरत एक खातून आई एंड दरख्वास की रसूल अलैहि वसल्लम के साथ बात करनी है तो उन्होंने कहा मैं आपकी बहन हूँ शैमा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मैं यकीन करता हूँ आपकी बात पर लेकिन कोई निशानी है तो उन्होंने कहा हाँ आप जब बच्चे थे एक बार मुझे मेरे हाथ पर काटा था और आपके दांतों का असर यह है सुबहानल्ला

ब्रदर एंड सिस्टर्स थे ऑल टूगेदर दो साल के बाद ये शफीक रहीम करीम सखी दादा फोर्थ हो जाते हैं आते हैं बाहर से और देखते हैं क्या है घर में बहुत लोग हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं क्या बात है कहते हैं मोहम्मद तुम्हारा दादा फोर्थ हो गए हैं सुफह ला एट ईय ओल्ड बोय दिस इज अनदर इंसिडेंट सिक्स ईयरस पर माँ को खुद देखा मरते हुए दफनाते हुए दिस इज अनदर वन अनदर शफीक रहीम हस्ती उनकी जिंदगी से चल गई अब तो बिल्कुल कोई भी नहीं रहा उनके लिए अगेन वही बात जो मैं पहले कह रही हूँ जब इंसान को एहसास होता है कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है तो वो इस चीज को जो कमी है ढूंढता रहता है ये कमी मैं कैसे करूँ पूरी उसका दिल, उसका रूह तड़पती है उस ढूंढती है कोई है प्यार देने वाला कोई है मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई है मुझे अमन अमान देने वाला तो इसी तरह धीरे धीरे वो ये एहसास बढ़ता रहता है इसका मतलब है उनको कोई ऐसी हस्ती चाहिए जो मरती नहीं जो हमेशा Hey, है जिंदा है और मेरे साथ है मी एज अ चाइल्ड आई वांट समबडी स्ट्रांग टू लीन ऑन जो मेरे साथ हर जगह हो जो मुझे भी महफूज करे मुझे भी एहसास अमनो एमान दे यहाँ से जब फौत होते हैं तो अपने चाचा के घर जाते हैं अबू तालिब अबू तालिब के घर में जाते हैं वहाँ माशाल्लाह काफी बच्चे हैं And, लेकिन थोड़ी सी रिस्क में कमी है बनो हाशिम इनकी सोशल स्टेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी लेकिन मनी के लिहाज से दे वेर ओके एंड अबू तालिब तो माशा बिकॉज इट वॉज फुल हाउस तो रसूल अल्लाह को क्या मिलेगा कहाँ से लेकिन देखे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला बहुत ततीफ़ है करीम है एक दरवाजा बंद होता है दूसरा दरवाजा खुलता है शफीक दादा चले गया लेकिन इस घर में आए यहाँ आलाद हैं आ रहे जा रहे है खा रहे पी रहे हैं कौन किस इनकी तरफ देखेंगे अल्लाह ताला का लुत्फ देखें कि इनकी चाची जो अबू तालिब की जोजा मोहतरमा इनका नाम था फातिमा बिन्तोसद अल्लाहा हाशमी फातिमा बिंदो असद उन्होंने रसूल गोद में लिया अपनी मोहब्बत की चादर इन पर डाल दी शफकत और मोहब्बत रहमत की बेशक उनकी अपनी भी औलाद थी लेकिन बहुत ही इनकी इनायत करते थे अल्लाह की इस बच्चे को खास मोहब्बत इनके बाल बनाते इनको नहलाते खुद अपने हाथों से नहलाते बाल बनाते कपड़े का एहतमाम करते बेशक गुर्बत का घर था लेकिन अच्छे कपड़े पहनाते जैसे भी जो भी गुंजाइश थी उनको अच्छे कपड़े पहनाते थे खुद नहीं खाते थे जो उनके हिस्से का खाना था प्लेट में या बर्तन में डालकर छुपा देते थे अपने बच्चों से जब बाहर से आते रसूल अल्लाह तो उनको देते ये तुम्हारे लिए खुद अपने लिए लिबास कभी नहीं खरीदा ना बनाया लेकिन रसूल अल्लाह के लिए बनाया रसूल अल्लाह ने यहाँ कितने साल स्पेंड किए है 20 इस घर में इस शफीक माँ के साथ रहे सयद फातिमा असद एक अजीम खातून थी अब वो तालिब ने तो इस्लाम नहीं कबूल किया लेकिन सयद फातिमा ने इस्लाम कबूल किया वो और उनके सभी औलाद सुबह इतनी खातून थी जैसे मैं कह रही हूँ हिजरत भी की देखे एक खलीफा की माँ है जो असदुल्लाह अली अल्लाह रद्ला की वालदा है एक शहीद की वालदा है जाफर बिन अभी तालिब जंगे मोहता में फौत हुए हैं उनकी वालदा हैं और क्या सईदा फातमा सल्ला ने सईदा फातमा से शादी की तो वो उनके घर आ गई सईदा फातमा ने बहुत खिदमत की सास की देखते थे कैसे उनके वालिद उनको एहतराम और तकदीर करते हैं इसी तरह उन्होंने भी इन वालदा को एहतराम और तकदीर दिया उनकी खिदमत की कभी भी नहीं सही दफाकमा बितु तो असद ने ना हमने सुना إن دونو سيدة فاطمة بنت أسد نا سيدة فاطمة بنت محمد إن محبت بيار تا اس گھر نا كبه سنا كي إن, إن كي خلاف كوي بات ہوئي یا إن آپس مي نا كوچ إن سيدة فاطمة زهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم شي نوز كي يه إلوني هماري والد كي تربيت كي هو ساس ساس فاطمة بنت أسد فاطمة بنت أسد جن کی بات کر जो चाची थी जिन्होंने की जिन्होंने रसूल अल्लाह की परविश की ट्वेंटी ईयर जब तक रसूल अल्लाह की शादी नहीं हुई तो इस घर से बाहर कदम रखा सईद खदीजा बिंदली की जब घर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसोल्ला सारा अरसा तकरीबन ट्वेंटी इससे थोड़ा सा कम होगा तकरीबन ये सारी उमर अल्लाह ने यहीं गुजारी तो सईद फातिमा के साथ जब सईद फातिमा फोत हुई लेकिन फोत होने से पहले मैं एक बात कहूंगी सही दफात ये रवैया हमें क्या दर्श देता है हमें अपने ही बच्चे पालने एक मुश्किल लगता है काम नफसियाती तौर पर हमें पता नहीं क्या हो गया है अंध हमारे सर दुपट्टों से बांधे हुए हैं अंध परेशानी है पकाने की पढ़ाने की नहलाने की वह अबाव इतने बच्चों के साथ एक और बच्चा भी आ जाए और वो भी कौन कहीं मेरा नहीं मेरे बहन का बेटा नहीं है मेरे हस्बैंड के भाई का बेटा है कितना वाह वाला मचा देती हैं लेडीज थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाए लेकिन वाइल वी रीड सीरा सीरत सल्लाम एंड दिस ग्रेट लेडी ताजुब आता है कि कैसे उन्होंने उनको सिर्फ ये नहीं कि घर में जगह दी दिल में जगह दी अपना प्यार जो वी आर वेरी कि हम अपना प्यार और मोहब्बत चाहते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए अगर मिसाल के तौर तो मेरे हस्बैंड का पहला कोई बच्चा है या दूसरी बीवी से बच्चे हैं तो आ जाते हैं घर तो पहले मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी बाद में जो बचेगा उनको दूंगी या दिन रात एक मुसीबत घर में होगी तुम्हारे बच्चे ये करते हैं तुम्हारे बच्चों ने ये शरारत की तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा तुम्हारे बच्चे इंसान को वसी होना चाहिए उसका दिल वसी होना चाहिए अकल भी वसी होनी चाहिए ये अपनी मर्जी से नहीं आया बच्चा जो भी आपके घर में आता है अल्लाह ने इसके मुकद्दर में लिखा और आपके मुकद्दर में अगेन आकीदा। तो खुद उसने चूज नहीं किया रसूल अल्लाह ने खुद चूज किया है कि इस घर में आए रसूल अल्लाह खुद बच्चे थे जहा यहाँ आ जाओ वहाँ चले गए दोनों पार्टीज को खुश होना चाहिए बच्चे को एहसास खुशी क्या होना चाहिए कि मुझे शेल्टर मिला है मुझे जगह मिली है बच्चा खुद नहीं जानेगा लेकिन जो उसके इर्द गिर्द है ना ये जो कहते हैं ना हम शायक जिन ये होते हैं तुम्हें क्या खिलाया तुम्हें कमी तो नहीं है खाने में तुम कहाँ सोते हो दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं सोते तुमने ये लिबास क्यों पहना हो तुम बाकी तुम्हें कुछ बात है तो आकर मुझे बताना हाँ तो नहीं ज्यादा तुम्हें करने को मिल रहे हैं वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें होती हैं अल्लाह मैं एक तजर्बे से कह रही हूँ आई डोंट लाइक टू गिव दिस मिसाल लेकिन मैं एक अपनी जिंदगी का मिसाल देती हूँ हम जब यतीम हुए थे हमें भी घर मिला था लेकिन जो इर्द गिर्द है दिन रात हमारे दिलों में बातें डालते थे अजीब किस्म की बातें अब जब बड़े हो गए हैं और जिन्होंने पाला अल्लाह ताला उनको जन्नत फिर दोस्त में आला मकाम दे कहते थे कि जब बड़े होंगे आप आपको एहसास होगा जी एहसास हुआ एहसास हुआ कि कोई ज्यादती नहीं थी जो थोड़ा सा सख्ती थी या जो भी होता था ये तरबियत थी और हम इससे भी ज्यादा अपने बच्चों के साथ करते हैं जरा पीछे हट जाए ना लोग तो जिंदगी बहुत सुधर जाएगी यतीम की भी दूसरे लोगों की भी या स्टेप मदर के घर जो बच्चे जाते हैं स्टेप मदर के लिए तो वो एक टैग लगा हुआ है ना कि ये बुरी होती है ये खराब होती है अंत फिल्मों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी ना बच्चों की स्टोरीज जब बच्चे थे की माँ स्टेप मदर ने क्या क्या फलान के स्टेप मदर ने किया क्या ये सब हमारे जहनों में बातें बैठी हुई है अंत कुरान ने पूरी इजाजत दी है चार घर बनाने की तो इसका मतलब है एक एक स्टेप मदर नहीं होगी दो होगी तीन होगी सो इट्स वेरी नॉर्मल इट शुड बी वेरी नॉर्मल लेकिन हमें बदलना चाहिए हम बदलें, इस चीज को कबूल करें मुआरे को बदलना है जो स्टेप बच्चे आए हैं घर में फॉर एनी रीजन उनके माँ फौत हो गई है तलाक हो गई है whatever. ये अपनी मर्जी से नहीं आए अल्लाह ताला ने उनको ये घर दिया है तुम क्या आगे से तुम्हारे घर तक पहुंच गया अजर जरूरी नहीं कि तुम उस्ताद फलान बनो के तुम्हें अजर और सवाब मिलेगा या तुम वहाँ के आलिम बनो या अजर तुम्हारे घर तक पहुंच गया है तुम पांच बच्चों की तरबियत कर रहे है एंड अब अनद्री और फोर की तरब तरबियत नाइन बच्चों की तरबियत वाओ नाइन कहेंगे रब रहम व अक्रम नजुलहा एंड यकीन करें ये मैंने अनपढ़ इंसान से ये सेंटेंस सुना है मेरे ड्राइवर की दो बीबिया थी एक के पास पांच थे और दूसरी के पास पांच मेरे ड्राइवर का नाम इब्राहिम था इब्राहिम अपनी माँ का ध्यान रखता था वो जहायमन में जब हो गई धोश नहीं थी तो उसकी बीवी ने कहा आई कैन टेक दिस एनी इधर मी और योर माँ से नो माई मदर वो घर छोड़कर चली गई माँ बीमार ऊपर से पांच बच्चे उसने फर्स्ट बीवी के कहा कि ये देखो मेरी माँ है और मेरे पांच बच्चे छोटे छोटे क्या करूँ? उसने कहा लाओ यहाँ लाओ मेरे घर में लाओ बीमार माँ फाइव किड्स और उसके अपने बच्चे थे फाइव और जब मैंने उससे मुलाकात की तो क्या है अल्लाह ताला ने मुझे चुना है मुझे चुना है खिदमत के लिए देखो मेरे दस बच्चे हैं है मेरी माँ नहीं है लेकिन ये देखो मेरी माँ सुफहान अल्लाह नो एक कमरा है उनका एंड देन किचन किचन भी कॉरिडोर में किचन है And एक and that's it. फातिमा मदीने में क्यूँकि इन्होंने हिजरत की हिजरत का बीस हवाब कमाया देखे इतने अजीम हस्ती को पाला अपने घर में दशीनो दिशी निस बिफोर के ये सद अल्लामीन यानि रसुल पूरी दुनिया के रसूल बनेंगे नो नो सीधे दिन नो लेकिन अपना फर्ज उन्होंने अदा किया इन द बेस्ट वे जब फोत होती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है रोते हुए उठते हैं और अपने सहाबा को कहते हैं चलो चलो हमारे साथ जाते हैं खुद इर्शादात फरमाते हैं कि उनको नहाओ बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से बी केयरफुल उनको दुख ना हो पानी वर्म होना चाहिए ये काफुर है ये सिदर है ये मेरी ये मेरी कमीज है ये मेरी कमीज है इनको दफनाए मेरी कमीज में ये मेरी माँ है जब कबर खोद रहे थे कब्र से पहले जब कफना दिया आकर अब उनके सर पर आकर कहते हैं राह उम्मी अल्लाह ताला आपको अपने रहमत में शामिल करे आप भूखी रहती थी मुझे खिलाती थी खुद अपने लिए लिबास नहीं बनाया मुझे लिबास पहनाती मेरा कोई भी नहीं था इस दुनिया में आपने मुझे घर में जगह दी है अपने औलाद से ज्यादा मुझे बेहतर ट्रीट किया फिर कब्र खोद रहे थे खुद अपने हाथों से कहा रसूल अल्लाह लेट अस डू दिस ही शी इज माय मदर कि मेरी माँ है एंड कब्र जब खोदी गई नीचे जाते हैं रसूल अल्लाह लेटते हैं कब्र में इस दिस comfortable is this was here enough koi tangi to nahi hai isme sahaban ka rasulullah <laughs> kya hora? hai meri maa hai mere maa के मैं नहीं चाहता के उनको कोई तकलीफ हो, And दफनाते हैं रोते हैं दुआ करते हैं अल्लाह ताला, जैसे मेरे हाल पर रहम किया इनके हाल पर रहम करें, अल्लाह ताला, से दुआ मांगते हैं फातमा जब मैंने कहा कि उन्होंने अपनी कमीज दी दफनाने के लिए यहाँ इतवा जस्ट रसोल कैन डू दिस नॉट अस मैं अपनी कमीज़ नहीं दे सकती फ़लॉन को कि ये दफनाया जाए तो मेरी कमीज़ या फ़लान वली की या फ़लॉन अमीर की या मेरे माँ की या मेरी दादी की कमीज़ दे दो ये ये हम नहीं कर सकते समथिंग स्पेशल फॉर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला उनकी ये दुआ थी कि जैसे मैंने कमीज पहना यह अपनी अल्लाह तन्नत का लिबास पहन ये है सही दफातमा बिंदु असद कर बहुत असीम हस्ती थी हम जैसे हमने शुरू में कहा था सीरा से सीखते हैं सीरा से सीखें क्या सीखा है आपने फर्स्ट बी गुड विद योर ओन किड्स बच्चों के साथ रहीम होना चाहिए कि आपके बच्चे हैं ये अमानत है ये फर्स्ट मदरसा है आपकी गोद आपकी हिनायत आपकी तरबियत आपका दूध आपकी मोहब्बत आपकी शफकत पूरा का पूरा टाइम इनका हक है और बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और उड़ जाते हैं घरों से नेस्ट से निकल जाते हैं तो आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए कब ये बड़े हों आपको अपने काम से काम होना चाहिए कि मैं कैसे बेहतरीन तरबियत करूं इन बच्चों की जो मैं बात करती हूँ या जो मैं करती हूँ उनको नजरों के सामने अगर मैं सारा टाइम मैं अपने मोबाइल पर या अपने मीडिया पर ये देख रही हूँ वो देख रही हूँ तो कौन तरबियत करेगा अपने बच्चों की फिर कहते हैं बच्चे सुनते नहीं बेहद जिद्दी है ये नमाज नहीं पढ़ते, ये नहीं क्या देखा है उन्होंने दिखाए उनको लेक्चर नहीं दे उनको करके दिखाए पूरा का पूरा टाइम उनका हक जब स्कूल जाते हैं या जब सोते हैं देन यू डू यू वांट अगर आपको रोज़ा रखना है अगर हिम्मत है और आपका मिजाज ख़राब नहीं होगा तो रखें रोजा नफली रोजे की मैं बात कर रही हूँ नहीं हिम्मत आपका मिजाज खराब हो जाता है आप चीखने और चिल्लाने लगते हैं बच्चों को मारने लगते हैं या उनके साथ बदरवैया होता है लाइक ला ज़रूरी नहीं है एक वो ही रमदान के रख लो बहुत अच्छी बात है उसमें सभी ने रखे होते बच्चों ने भी रखे होते ज्यादा पढ़कर आपकी नींद पूरी नहीं ले सकते तो जरूरी नहीं है तहज्जुद लम्बे लम्बी तहज्जुद पढ़े क्योंकि आपकी वो वो नफल है वो एक्स्ट्रा है लेकिन आपका असली फर्ज आपके बच्चे आपके घर वाले आपके वाले आपके हस्बैंड के वाले आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है नो योर ओन रिस्पांसिबिलिटीज ये अमानत है कितनी बार मैंने कहा ये अमानत है इनका पूछा जाएगा आपके महल्ले की औरतों को दर्श देना ये आपके ये नहीं पूछे जाएगा आपसे कि दिया कि नहीं असली जो आपके घर में है उनकी परविश उनकी तरबियत पर जोर दे हमने सीखा है सही दफात्मा से ये चीज़ उन्होंने अपने बच्चों की भी तरबियत की इतना अजीज थे। के जब उनकी शादी हुई और निकले घर से उन्होंने कहा आई नो यू आई के नॉट ट्रस्ट एनी बल्स मोर ये मेरा बच्चा हाली आपकी खिदमत के लिए ले लोध रसोल्ला ने उधार तो नहीं अदा कर सकते लेकिन हाली रतन को अपने घर में ले लिया कि थोड़ा सा तो मैं कर्ज अदा कर सकूं किसी ने मेरे पर इतना एहसान किया मैं भी एहसान करूँ बहुत कुछ सीखा है सही दफा जैसा मुल ख़ैर सामकम रहमतुल्लाह